Hello everyone, in this video we will do some important previous year questions of societal impact. So let us start with the first question. Differentiate between the active digital footprint and passive digital footprints. आपको active digital footprint and passive digital footprint का difference बताना है. Active digital footprints, अब देखो digital footprint क्या होता है. Digital footprint is the impression या वो mass जो आप क्या करते हो internet पे create करते हो. जब भी आप internet पे कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसका डेटा क्या होता है इंटरनेट पे जाके सेव हो जाता है. राइट, आपकी हैबिट्स वहां पे जाके सेव हो जाती है कि आप किस तरह का डेटा सर्च करते हो, आप कौन से वेब पेजेस को सर्च करते हो, आप मतलब कौन सा ऑनलाइन वर्क करते हो. राइट, तो यहां पे इसको कहा जाता है डिजिटल फुटप्रिंट. फाइन, तो एक्टिव डिजिटल प्रिंट क्या इंक्लूड करता है. इट इंक्लूड डेटा डेट वी इंटेंशली सबमिट ऑनलाइन. एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट वो डेटा इंक्लूड करता है जो आप इंटेंशली ऑनलाइन सबमिट करते हो, डाउनलोड करते हो या अपलोड करते हो. राइट, दिस वुड इंक्लूड ईमेल्स वी राइट. तो इसमें क्या क्या आता है, आप जो ईमेल्स इंटेंशली सेंड करते हो. ओके, और रिस्पॉन्सेस और पोस्ट वी मेक ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स. और वो पोस्ट आती है जो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे पोस्ट करते हो. जैसे आप फेसबुक का एग्जांपल ले लो, आप फेसबुक पे अपनी फोटोज अपलोड करते हो, वीडियोस अपलोड करते हो. राइट, ओके, या मोबाइल ऐप्स जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, उसमें आप अपनी फोटोज वीडियोस क्या करते हो, अपलोड करते हो. फाइन, तो ये क्या है, ये सारा काम आप एक्टिवली कर रहे हो. ओके, इंटेंशली कर रहे हो, आप जानते हो कि आप ये सब कर रहे हो. फाइन, तो इसको कहा जाता है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स. सेकेंड है आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. द डिजिटल डेटा ट्रेल, ट्रेल मीन्स इंप्रेशन. ओके, निशान चिन्ह. ओके, द डिजिटल डेटा ट्रेल वी लीव ऑनलाइन अनइंटेंशनली. वो इंप्रेशन जो आप ऑनलाइन अनइंटेंशनली छोड़ देते हो इज कॉल्ड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स. उसको पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स कहा जाता है. This includes the data generated when we visit a website. Okay, आपने कोई वेबसाइट विजिट की. ओके, तब क्या होगा, वो कैसे काउंट होगा, वो एज अ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट काउंट होगा. यूज मोबाइल ऐप, आपने मोबाइल ऐप कोई भी यूज की. ओके, आपने इंटरनेट ब्राउज किया, तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि आप किस किस टाइप की वेबसाइट को सर्च कर रहे हो, आप इंटरनेट पे क्या ब्राउज कर रहे हो. फाइन, तो वो इंप्रेशन क्या होगा, आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. यहाँ पे आप नहीं जानते हो कि जो भी सर्चिंग आप कर रहे हो वो कहीं जाके सेव हो रही है. फाइन, तो ये आपके लिए क्या है, आप अनइंटेंशनली डेटा को सेव करा रहे हो. ओके, तो इसको क्या कहा जाएगा, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट में आपको पता होता है कि आप इंटेंशनली अपना डेटा अपलोड कर रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो. बट पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में आपको नहीं पता होता कि आपका डेटा जो भी सर्चिंग है, ब्राउजिंग है, वो कहीं पर जाके सेव हो रहा है. राइट, नाउ लिस्ट एनी फोर बेनिफिट्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट. आपको ई वेस्ट मैनेजमेंट के बेनिफिट्स बताने हैं. ओके, फर्स्ट वन इज सेव द एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. अगर आप ई वेस्ट का मैनेजमेंट कर लेते हो, ओके, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मैनेजमेंट कर लेते हो, तो क्या होगा, ये एनवायरमेंट को सेव करेगा, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करेगा. जैसे क्या होता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बर्न किया तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा. ओके, उनको आपने अगर डंप किया लैंडफिल्स में तो क्या होगा, आपका सॉइल पॉल्यूशन होगा, आपका वाटर पॉल्यूशन होगा. ओके, तो यहाँ पर अगर उनका अच्छे से मैनेजमेंट होगा तो आपका एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज सेव होंगे. अलाउ फॉर रिकवरी ऑफ प्रीसियस मेटल्स. अब देखो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनमें बहुत सारे मेटल्स का यूज किया जाता है जो काफी प्रीसियस भी होते हैं. राइट, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट करो ई वेस्ट का, तो आप उसमें से प्रीसियस मेटल्स को निकाल सकते हो और उन मेटल्स का आप फर्दर यूज भी कर सकते हो. ओके, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी. ओके, जब आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मैनेजमेंट करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो पब्लिक हेल्थ को, लोगों की हेल्थ को और वाटर की क्वालिटी को. आप अगर उनको लैंडफिल्स में डंप कर दोगे तो क्या होगा, वो जो जितना भी इंटरनल वाटर होगा, राइट, ग्राउंड का वाटर होगा, उसमें जाके मिक्स हो जाएंगे उसके पार्टिकल्स और वो क्या होगा, उसको पॉल्यूट कर देगा. राइट, बट अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, आप वाटर की क्वालिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो. ओके, सेव लैंडफिल स्पेस. राइट, लैंडफिल क्या होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे आप लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल बरी करते हो, मतलब उसके अंदर आप दबा देते हो. तो अगर आप ई वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लैंडफिल स्पेस बचा रहे हो आप अपना. ठीक है, आपको सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लैंडफिल के अंदर नहीं डालना पड़ेगा. फाइन,
मेंशन एनी फोर नेट एटिकेट्स, जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो आपको कौन से एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। इसमें आपको फोर नेट एटिकेट्स बताने हैं। नो कॉपीराइट वायलेशन, आपको कॉपीराइट वायलेशन नहीं करना चाहिए। किसी भी कॉपीराइटेड मटेरियल को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको खुद का मटेरियल बना के आपको फर्दर यूज नहीं करना चाहिए, राइट। शेयर द एक्सपर्टीज विद अदर्स ऑन द इंटरनेट, अगर आपके पास कोई एक्सपर्टीज है, कोई स्किल है, नॉलेज है, आपको इंटरनेट पर वो सबके साथ शेयर करनी चाहिए, ओके। अवॉइड साइबर बुलिंग, आपको साइबर बुलिंग अवॉइड करनी चाहिए। साइबर बुलिंग क्या होता है? इंटरनेट का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दूसरों को हैरेस करना, थ्रेटन करना, एम्बेरेस करना, राइट। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी एंड डाइवर्सिटी, दूसरों की प्राइवेसी और डाइवर्सिटी का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ओके। आपको किसी के जेंडर पे या क्लास पे या रिलीजन पे नहीं जाना चाहिए व्हाइल यू आर यूजिंग द इंटरनेट, ओके। नाउ प्रियंका इज यूजिंग हर इंटरनेट कनेक्शन टू बुक अ फ्लाइट टिकट, ओके। प्रियंका क्या कर रही है? इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रही है फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ लीविंग अ ट्रेल, ट्रेल क्या होता है? चिन्ह, निशान ऑफ वेब एक्टिविटीज कैरिड बाय हर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये एग्जाम्पल है क्या? इंटरनेट पर निशान छोड़ने का, अपनी वेब एक्टिविटीज से ट्रेल छोड़ने का, ओके। व्हाट डू वी कॉल दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, इस टाइप की एक्टिविटी को क्या कहा जाएगा? व्हाट इज़ द रिस्क इन्वॉल्व्ड बाय सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, और इस तरीके की एक्टिविटी में कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, राइट, कौन से रिस्क आ सकते हैं, ओके। तो इन शॉर्ट क्या है, प्रियंका ने इंटरनेट की हेल्प से फ्लाइट टिकट बुक कराई है। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, एक डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट किया है, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, ओके। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये क्या है, ये एक्टिविटी को क्या कहा जाता है और इस एक्टिविटी को करने में क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वी कॉल दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी एज डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है, इसको डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। अब रिस्क इन्वॉल्व क्या है, इट इंक्लूड्स वेबसाइट्स वी विजिट, ईमेल्स वी सेंड। अब यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट क्या इंक्लूड कर रही है कि जो भी वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो और जो भी ईमेल्स आप सेंड कर रहे हो, एंड एनी इन्फॉर्मेशन वी सबमिट ऑनलाइन, अब और जो भी इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो अलॉन्ग विद द कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस, अपने कंप्यूटर की आईपी एड्रेस के साथ, लोकेशन के साथ और अदर डिवाइस स्पेसिफिक डिटेल्स, और अपने डिवाइस की और भी डिटेल्स आप दे रहे हो। सच डेटा कुड बी यूज फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, अब इस डेटा का यूज एडवर्टाइजर्स कर सकते हैं, और कुड ऑल्सो बी मिस यूज और एक्सप्लॉइटेड, और दूसरे लोग भी कर सकते हैं, फाइन। अगर आपकी लोकेशन पता चल रही है, आपका आईपी एड्रेस पता चल रहा है आपके डिवाइस का, और आपकी स्पेसिफिक डिटेल्स पता चल रही हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, एक तो टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट क्या है, जिस टाइप की आप वर्क कर रहे हो इंटरनेट पे, ओके। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रियंका है वो फ्लाइट का टिकट बुक करा रही है, तो उसके पास आ सकते डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का आ सकता है, कि हॉलीडेज के लिए आ सकता है या फ्लाइट टिकट्स कंपनी का आ सकता है, ओके ओके। तो यहाँ पे और कुड ऑल्सो भी मिस यूज, और यहाँ पे क्या है, उसकी जो आईपी एड्रेस है कंप्यूटर का वो भी मिस यूज हो सकता है, उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है, तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्क हैं जो इन्वॉल्व हैं, फाइन। नाउ लिस्ट एनी टू हेल्थ हजार्ड्स रिलेटेड टू एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जब आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो उसमें कौन से हेल्थ हजार्ड्स, मतलब कौन से आपकी हेल्थ को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, ओके। द कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ डिवाइसेज लाइक स्मार्टफोन, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हेडफोन्स एक्सेट्रा कॉज अ लॉट ऑफ हेल्थ हजार्ड्स इफ नॉट एड्रेस, तो यहाँ पे जब आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हेडफोन, तो उससे बहुत सारे आपके हेल्थ को नुकसान पहुँच सकते हैं। इसमें से आपको टू लिखने थे, आई थिंक आप यहाँ पे फोर दिए गए हैं, ओके। आप अगर टू मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप टू लिखो, थ्री मार्क्स का आता है थ्री, एंड फोर मार्क्स का आता है तो फोर, ओके। फर्स्ट वन क्या है, इम्पैक्ट ऑन बोन्स एंड जॉइंट, सबसे ज़्यादा आपकी बोन्स एंड जॉइंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या, क्योंकि आप किसी भी रॉन्ग पोस्चर में लेट के बैठकर क्या करते हो, अपने डिवाइसेस को यूज़ करते हो, ठीक है। रॉन्ग पोस्चर और लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, अगर आप अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हो, ओके, तो इससे क्या होगा, कैन कॉज मसल और बोन इंजरी, इससे आपकी मसल इंजरी हो सकती है, बोन इंजरी हो सकती है,
राइट तो अगर आप लैपटॉप्स या कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो तो आपको ये देखना है आपका पोस्चर बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और लॉन्ग आर्म्स में ना हो. ओके आपको शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक्स जरूर लेने चाहिए. राइट इम्पैक्ट ऑन हियरिंग. ओके यूजिंग हेडफोन्स और ईयरफोन्स फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड टाइम मतलब बहुत देर के लिए अगर आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स का यूज़ करते हो एंड ऑन हाई वॉल्यूम और उसके अंदर वॉल्यूम आपका हाई होता है कैन कॉज हियरिंग प्रॉब्लम्स. इससे आपको हियरिंग की प्रॉब्लम सुनने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ओके एंड इन सीवियर केसेस हियरिंग इम्पेयरमेंट्स और अगर सीवियर केस है तो आपकी सुनने की क्षमता भी जा सकती है. ओके इम्पैक्ट ऑन आइस इसका आइस पे भी इम्पैक्ट होता है. दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हेल्थ हजार्ड एज प्रोलॉन्ग आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम कैन लीड टू एक्सट्रीम स्ट्रेन ऑन द आइस. जितना ज़्यादा आप लैपटॉप फोन्स इनको यूज़ करते हो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी आइस पे पड़ता है. ओके बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है आपकी आइस पे. ओके और ये आपकी आइस के रेटिना को बहुत इम्पैक्ट करता है. फाइन Now sleep problem. Bright light from the computer devices block a hormone called melatonin which help us sleep. ओके तो जो कंप्यूटर की अगर स्क्रीन है उस पर जो उसकी जो स्क्रीन पे लाइट है वो बहुत क्या है ब्राइट है या आपके फ़ोन की लाइट बहुत ब्राइट है तो उससे क्या होगा ये आपके एक हार्मोन को क्या करता है ब्लॉक करता है. वो हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन. जो मेलाटोनिन हार्मोन आपको स्लीप में हेल्प करता है बट अगर उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा आपको स्लीप में प्रॉब्लम आएगी. ओके दस वी कैन एक्सपीरियंस स्लीप डिसऑर्डर्स लीडिंग टू शॉर्ट स्लीप साइकिल्स. तो इससे क्या होता है हमारी स्लीप में प्रॉब्लम आती है स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं और आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो शॉर्ट स्लीप साइकिल हो जाती है. आप मुश्किल से सो पाते हो और छोटे छोटे टाइम पे आपकी जो नींद है वो ब्रेक होती है. ओके नाउ सीमा रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम हर बैंक स्टेटिंग दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद हर अकाउंट. सीमा को एक ईमेल आया है बैंक की तरफ से कि उसके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है. ओके द ईमेल प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस एंड अ लिंक बाय क्लिकिंग ऑन विच शी कैन लॉग ऑन टू हर अकाउंट एंड फिक्स द प्रॉब्लम. उस ईमेल में क्या है कुछ इंस्ट्रक्शंस है और एक लिंक दिया हुआ है और सीमा से कहा जा रहा है कि लिंक पर क्लिक करके वो अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकती है. हेल्प सीमा बाय टेलिंग हर द प्रिकॉशंस शी शुड टेक व्हेन शी रिसीव दिस टाइप ऑफ ईमेल. तो आपको यहाँ पे सीमा को बताना है कि अगर उसको इस टाइप के ईमेल्स आते हैं तो उसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. ओके No, she should check whether it is a valid bank site or not a और नॉट बाय चेकिंग इन द URL HTTPS. तो सबसे पहले तो उसे देखना है कि जो ये मेल आया है वो क्या वैलिड वेबसाइट से आया है क्या उसके URL में उसके वेब एड्रेस में HTTPS लिखा हुआ है एज फॉर सिक्योर. ठीक है इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टाइप द URL और कभी भी आप किसी लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे ना जाएं. अगर आपके बैंक की तरफ से कोई भी मेल या कुछ भी आता है तो आप क्या करेंगे बैंक का कंप्लीट URL टाइप करेंगे उसके बाद जो पेज आएगा उसमें आप लॉगिन करेंगे. ओके शी शुड नॉट क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड इन द ईमेल. वो ईमेल के लिंक को क्लिक ना करे. ठीक है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. राइट नाउ मेंशन एनी फोर कम्युनिकेशन एटिकेट्स विच वन शुड फॉलो व्हाइल कम्युनिकेटिंग ऑन द इंटरनेट. अगर आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको कौन से कम्युनिकेशन एटिकेट्स फॉलो करने हैं. ओके वन शुड बी प्रिसाइज इन कम्युनिकेशन ऑन द वेब. अगर आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट करें कम्युनिकेट मतलब किसी से भी बात कर रहे हैं ठीक है तो आपको आपके कन्वर्सेशन में क्या होना चाहिए प्रिसाइज होना चाहिए. ठीक है प्रिसाइज मींस क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं. आपको एग्जैक्ट होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए. ये नहीं कि आप लंबी चौड़ी कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसका मतलब मीनिंग कुछ भी नहीं है. ओके नाउ वन शुड बी पोलाइट इन द कम्युनिकेशन. अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो आपको पोलाइट रहना है हार्श वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है. वन शुड रिस्पेक्ट द डेटा लिमिट्स. ओके और आपको जो दूसरा पर्सन है आपके साथ कितना डेटा शेयर करना चाहता है अपनी कितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है आपको उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके वन शुड बी क्रेडिबल. ओके क्रेडिबल का मीनिंग क्या होता है कि आपको ऐसे इस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए कि आप को कोई बिलीव कर सके आपकी बातों पे बिलीव कर सके. ऐसा ना हो कि आप बात करो और आपकी बातों से कोई दूसरा इंसान क्या हो जाए उसको अच्छा ना लगे. ओके और वो आप पे बिलीव ना करे. फाइन
रिचा रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग हर सोशल मीडिया अकाउंट। रिचा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है। विद इन अ फ्यू डेज शी रीफ्रेंड मैनी पीपल शी नोज। कुछ ही दिनों के अंदर वो बहुत सारे लोगों के साथ उसकी फ्रेंडशिप होगी जिनको वो जानती थी, एंड सम डैश शी डज नॉट नो, और कुछ जिनको वो नहीं जानती थी। आफ्टर सम टाइम शी स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव कमेंट्स ऑन हर पोस्ट। कुछ टाइम के बाद उसको अपनी पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट्स मिलने लगे। शी ऑल्सो फाइंड्स दैट हर पिक्चर्स आर बींग शेयर ऑनलाइन विदाउट हर परमिशन। उसे ये भी पता चला कि उसकी पिक्चर्स को ऑनलाइन शेयर किया जा रहा है बिना उसकी परमिशन के। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम शी इज अ विक्टिम ऑफ। आपको बताना है कि उसके साथ किस तरीके का साइबर क्राइम हुआ है। नाउ शी इज अ विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग। वो साइबर बुलिंग की विक्टिम है। ओके, जब आप टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का यूज करके किसी को थ्रेटन करते हो, हैरेस करते हो, एम्बेरेस करते हो या किसी को टारगेट करते हो, तो कौन सा क्राइम होता है? वो होता है साइबर बुलिंग, राइट। Under which act she can lodge a complaint to the relevant authorities? वो किस act के अंदर complaint को lodge कर सकती है, right? तो India में Information Technology Act है, Information Technology Act 2000, या फिर आप उसको IT Act कह सकते हो, जो साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के साथ डील करता है। फाइन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स जो भी लेन देन होता है इंटरनेट पर, जो भी व्यापार होता है। फाइन, suggest her any two precautionary measures which she should take in future while being online to avoid any such situations. आपको दो precautionary measures उसको बताने हैं जो उसको follow करने चाहिए while she is online, जब वो online होती है। okay, need to be careful while befriending unknown people on the internet. उसे अननोन पीपल के साथ फ्रेंडशिप करने से पहले केयरफुल रहना चाहिए। ओके, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। फाइन, नेवर शेयर पर्सनल क्रेडेंशियल्स लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड विद अदर्स। दूसरों के साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक यूजर नेम या पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। फाइन, मेंशन एनी थ्री हेल्थ हजार्ड्स एसोसिएटेड विद द इनअप्रोप्रिएट एंड एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स। आपको बताना है कि जब आप बहुत ज्यादा गैजेट्स का यूज करते हैं तो आपको कौन से हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं, आपकी हेल्थ को कौन से नुकसान हो सकते हैं। आई स्ट्रेन, सबसे ज्यादा आईज पे स्ट्रेन पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है। ओके, आपके रेटिना के लिए वो हार्मफुल होता है। पेनफुल मसल्स एंड ज्वाइंट्स, आपके मसल्स एंड ज्वाइंट्स में पेन रहने लग जाता है। पुअर मेमोरी, आपकी मेमोरी पे इम्पैक्ट पड़ता है। लैक ऑफ स्लीप, आपको स्लीप डिसऑर्डर होता है जब आप बहुत ज्यादा गैजेट्स यूज करते हैं। बैक पेन एंड नेक पेन, इससे आपको बैक पेन और नेक पेन भी होता है, राइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेजरिज्म? प्लेजरिज्म क्या होता है? व्हाई इट इज पनिशेबल ऑफेंस, ये पनिशेबल ऑफेंस क्यों है? मेंशन एनी टू वेज टू अवॉइड प्लेजरिज्म। आपको दो तरीके बताने हैं जिससे आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हो। नाउ प्लेजरिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग और स्टीलिंग समवन एज इंटेलेक्चुअल वर्क और आइडियाज एंड पासिंग इट एज योर ओन वर्क। प्लेजरिज्म क्या है? जब आप किसी के इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील करते हो। इंटेलेक्चुअल वर्क, वो वर्क जो किसी ने अपने इंटेलेक्ट को यूज करके बनाया है, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके बनाया है, अपने दिमाग को यूज करके बनाया है। जब आप किसी और के आइडियाज को और किसी और के वर्क को यूज करके, मतलब स्टील करके अपने नाम से प्रेजेंट करते हो, तो वो क्या होता है? प्लेजरिज्म होता है। ओके, इन अदर वर्ड्स प्लेजरिज्म इज अ फेलियर इन गिविंग क्रेडिट टू इट्स सोर्स। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, आप किसी और की चीज को यूज कर रहे हो लेकिन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या उस पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को आप उसका क्रेडिट नहीं दे रही हो। ओके, प्लेजरिज्म इज अ फ्रॉड, इसको फ्रॉड माना जाता है एंड वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन भी माना जाता है। फाइन, सिंस IPR होल्ड्स अ लीगल एंटिटी स्टेटस, वायलेटिंग इट्स ओनर्स राइट इज अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस, राइट। तो प्लेजरिज्म क्या है? एक लीगली पनिशेबल ऑफेंस है जिसके अंदर आपको पनिशमेंट मिल सकती है। एनी टू वेज टू अवॉइड प्लेजरिज्म आर, तो यहाँ पे दो तरीके बताए गए हैं। बी ओरिजिनल, अपना खुद का क्रिएटिव वर्क आप यूज करें। ओके, अपना खुद का माइंड यूज या इंटेलेक्चुअल वर्क आप यूज करें। ओके, साइट और एक्नॉलेज द सोर्स, अगर आप किसी और का वर्क ले रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि आपने कहाँ से डाउनलोड किया है, ये वर्क किसका है। ओके, नादर हैज रिसेंटली शिफ्टेड टू अ न्यू सिटी एंड स्कूल। नादर ने एक न्यू सिटी और स्कूल में एडमिशन लिया है, न्यू सिटी में वो शिफ्ट हुई है, उसने न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है। शी डज नॉट नो मैनी पीपल इन हर न्यू सिटी एंड स्कूल, वो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानती है अपनी सिटी में, स्कूल में। बट ऑल ऑफ सडन समवन इज पोस्टिंग नेगेटिव डी मीनिंग कमेंट्स ऑन हर सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल। लेकिन सडनली उसके सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल पर नेगेटिव कमेंट्स आने लगे हैं, डी मीनिंग कमेंट्स आने लगे हैं।
ओके शी इज ऑल्सो गेटिंग रिपीटेड मेल्स फ्रॉम द अननोन पीपल, उसे अननोन पीपल से रिपीटेड मेल्स भी आ रहे हैं. एवरी टाइम शी गोज ऑनलाइन शी फाइंड समवन चेजिंग हर ऑनलाइन, जितनी बार वो ऑनलाइन जाती है उसे लगता है कोई उसको फॉलो कर रहा है, चेज कर रहा है. ओके वॉट इज दिस हैपनिंग टू नादर, नादर के साथ क्या हो रहा है. नादर हैज बिकम विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग, यहाँ पे नादर को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है. ओके उसके साथ क्या हो रहा है, साइबर बुलिंग हो रही है राइट. उसको थ्रेटन किया जा रहा है, उसको हैरेस किया जा रहा है, साइबर स्टॉकिंग उसको स्टॉक किया जा रहा है राइट. उसको ऑनलाइन फॉलो किया जा रहा है राइट. व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड शी टेक टू हैंडल इट, उसे क्या एक्शन लेना चाहिए. शी मस्ट इमीडिएटली ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ हर पेरेंट्स, उसे इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को ये बताना चाहिए एंड स्कूल अथॉरिटीज, और स्कूल अथॉरिटीज को भी बताना चाहिए. शी मस्ट रिपोर्ट दिस साइबर क्राइम टू लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ हर पेरेंट्स, उसको इस साइबर क्राइम की रिपोर्ट करनी चाहिए लोकल पुलिस में अपने पेरेंट्स की हेल्प से. फाइन, इज देयर एनी लॉ इन इंडिया टू हैंडल सच इशूज, तो इंडिया में ऐसा कोई लॉ है इस तरीके के इशूज को हैंडल करने के लिए. येस वी हैव ITI 2000 टू हैंडल सच टाइप ऑफ इशूज. ओके ITI 2000 डील्स विद द साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. फाइन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी थेफ्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट जब आप किसी और की आइडेंटिटी को स्टील करके, ठीक है, मतलब आप किसी और की पहचान लेके जब कोई क्राइम करते हो तो उसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है. आइडेंटिटी थेफ्ट इज द क्राइम ऑफ ऑब्टेनिंग द पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ अनदर पर्सन. आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, किसी और की पर्सनल एंड और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना, लेना फॉर द सोल पर्पस ऑफ एज्यूमिंग दैट पर्सन नेम, जिससे कि आप उस पर्सन का नाम यूज कर सकें, उसकी आइडेंटिटी यूज कर सकें, टू मेक ट्रांजेक्शंस करने के लिए, और यूज इट टू पोस्ट इन अप्रोप्रिएट रिमार्क्स, या फिर इन अप्रोप्रिएट रिमार्क्स को पोस्ट करने के लिए, कमेंट्स को करने के लिए. फाइन, मतलब कि आप यहाँ पे किसी और, जैसे यहाँ पे दो गर्ल्स हैं रीमा एंड सीमा, तो अगर सीमा रीमा बनके ये सब काम करे तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी थेफ्ट होगा. फाइन, ओके जैसे एग्जांपल देखो, एलेक्स लाइक्स टू डू हिज होमवर्क लेट एट नाइट, एलेक्स को अपना होमवर्क लेट नाइट करना बहुत पसंद है. ही यूजेस इंटरनेट अलॉट, वो इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज करता है, एंड ऑल्सो सेंड्स यूजफुल डेटा थ्रू ईमेल टू मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, और वो बहुत सारा यूजफुल डेटा भी सेंड करता है अपने दोस्तों को ईमेल की हेल्प से. ओके One day he forgot to sign out his email account. एक दिन वो अपने email account को sign out करना भूल गया. In the morning his twin brother Flex started using the computer. Next morning उसके twin brother Flex ने उसका computer use करना start कर दिया. He used Flex email account to send inappropriate messages to his contacts. ओके तो फ्लेक्स ने क्या किया, एलेक्स का जो अकाउंट था उसको यूज किया, और जितने भी उसके कॉन्टेक्ट थे अकाउंट के अंदर, उनको गलत मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए. तो यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है, आइडेंटिटी थेफ्ट का एग्जाम्पल है. यहाँ पे फ्लेक्स एलेक्स बनके लोगों को इनअप्रोप्रिएट मैसेज सेंड कर रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे, ये एलेक्स ने सेंड किए हैं. ओके तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट. नो, What do you understand by net etiquettes? Net etiquettes क्या होता है? Explain any two such etiquettes. आपको ऐसे दो etiquettes बताने हैं. Net etiquettes refers to the proper manners and behavior we need to exhibit while being online. Net etiquettes वो manners हैं, वो behavior हैं जो आपको show करना चाहिए जब आप online होते हैं. Okay? These includes no copyright violation. आपको copyright violation नहीं करना चाहिए. We should not use copyrighted material without the permission of the creator or owner. आपको किसी भी कॉपीराइट मटेरियल का यूज करना नहीं चाहिए अगर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के उस कॉपीराइटेड मटेरियल के क्रिएटर या ओनर के. फाइन, वी शुड गिव प्रॉपर क्रेडिट टू द ओनर्स और द क्रिएटर्स ऑफ ओपन सोर्स कंटेंट व्हेन यूजिंग देम. अगर आप जो भी कंटेंट अवेलेबल है, फाइन, उसको ओपन किया गया है सो दैट यू कैन यूज दैट कंटेंट. अगर आप ओपन कंटेंट, ओपन सोर्स कंटेंट को यूज कर रहे हो, इन इस सिचुएशन में आप उसको यूज करते टाइम ऑनर्स को, उसके ऑनर को, उसके क्रिएटर को पूरा क्रेडिट दें, उसको एक्नॉलेज करें. फाइन, अवॉइड साइबर बुलिंग. आपको साइबर बुलिंग को अवॉइड करना चाहिए जब आप ऑनलाइन होते हो. अवॉइड एन इंसल्टिंग, डिग्रेडिंग और इंटिमिडेटिंग ऑनलाइन बिहेवियर. आपको इंटिमिडेटिंग क्या होता है, थ्रेटनिंग, मतलब आपको ना तो किसी को थ्रेटन करना चाहिए, ना ही किसी की इंसल्ट करनी चाहिए. ओके, लाइक रिपीटेड पोस्टिंग ऑफ र्यूमर्स. आपको र्यूमर्स को पोस्ट नहीं करना चाहिए. गिविंग थ्रेट्स ऑनलाइन, ऑनलाइन थ्रेट्स नहीं देनी चाहिए. पोस्टिंग द विक्टिम्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी भी पर्सन, किसी दूसरे पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन उसको पोस्ट नहीं करना चाहिए. और कमेंट्स, और ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए जो क्या करते हैं, एम्ड टू पब्लिकली रिडिकुल अ विक्टिम, जो किसी भी पर्सन का मजाक उड़ा
रहा है, ऐसे कमेंट्स आपको नहीं करने चाहिए. ओके नाउ Imagine a scenario where an individual Alex is concerned about his online privacy. यहाँ पे एक person है जो अपनी online privacy के लिए concerned है. Alex has a social media presence and frequently post update, photos, comments on various platform. Alex क्या करता है, बहुत ज़्यादा frequently, मतलब बहुत frequently post करता है, photos upload करता है, comments करता है platform पर. Additionally, Flex frequently uses mobile apps and visit websites for shopping and information. इसके साथ वो क्या करता है, मोबाइल ऐप्स को भी यूज़ करता है, वेबसाइट्स को भी यूज़ करता है शॉपिंग के लिए और दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए. ओके Now explain the concept of active digital footprint providing examples from the Alex online activities. अब इतनी सारी activities में से आपको बतानी है कि वो कौन सी active digital footprint, यहाँ पे कौन सी activities के help से वो active digital footprint create कर रहा है. ठीक है, active digital footprint कौन से होते हैं, वो impressions होते हैं जो कोई भी person, कोई भी individual intentionally create करता है. जैसे अपनी photos को upload करना, videos को upload करना, email को send करना, तो वो कौन से impressions होते हैं, active digital footprint. ओके तो Alex active digital footprint includes actions like posting photos. तो active digital footprint में कौन से actions है, photos को post करना, comments on social media platform पे comments करना, making his intentional online activities visible to others. और अपनी online activities को दूसरों के लिए visible रखना, जैसे कोई भी photo upload की उसको क्या किया है, public कर दिया है, video upload किया उसको public कर दिया है, तो ये क्या है, active digital footprint. ओके एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट कौन से होते हैं, जो इंडिविजुअल इंटेंशनली करता है. ओके नाउ डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. अब इनमें से कौन सी जो उसकी एक्टिविटीज है वो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट है, जो वो क्या करता है, अनइंटेंशनली करता है, उसे नहीं पता होता है कि उसका डेटा कहीं जाके सेव हो रहा है. ओके एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ हाउ इट इज जनरेटेड इन एलेक्स ऑनलाइन इंटरेक्शन. आपको बताना है कि वो कैसे, जो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट है वो कैसे जनरेट होते हैं. ओके एलेक्स पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट इज क्रिएटेड व्हेन वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्स कलेक्ट डेटा अबाउट हिज ब्राउजिंग हैबिट्स. अब देखो अलग अलग वेबसाइट्स पे जाता है शॉपिंग के लिए और दूसरी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए. तो यहाँ पे जो वेबसाइट्स हैं और मोबाइल एप्स हैं वो क्या करते हैं, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को, उसकी ब्राउजिंग हैबिट्स को सेव करती हैं. ओके एंड प्रेफरेंसेज विदाउट हिज डायरेक्ट इनपुट, और उसकी प्रेफरेंसेज को वो सेव करती हैं. राइट ओके ऑफन फॉर पर्पस लाइक टारगेटेड एडवर्टाइजिंग. और ये मोस्टली किस लिए किया जाता है, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए. जिस टाइप की डेटा को आप ब्राउज करोगे वैसे ही आपके पास एडवर्टाइजमेंट आएंगे. ओके नाउ डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स फॉर एलेक्स ऑनलाइन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. तो आपको बताना है जो एक्टिव एंड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स एलेक्स छोड़ रहा है ऑनलाइन ओके तो उसका उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा. इम्प्लीकेशन मीन्स प्रभाव. ओके तो इम्प्लीकेशन ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट फॉर एलेक्स ऑनलाइन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आर एलेक्स एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट में एक्सपोज हिम टू प्राइवेसी रिस्क इफ ही शेयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पब्लिकली. अगर वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पब्लिकली शेयर कर रहा है ओके तो ये क्या है, ये एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है, यहाँ पे उसके लिए उसकी प्राइवेसी को रिस्क है. ओके हिज पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट व्हेन मिसहैंडल कैन लीड टू डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स एंड पोटेंशियली पुट हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन एट रिस्क एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर कॉशियस ऑनलाइन बिहेवियर एंड डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स. ओके तो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स में अगर वो किसी वेबसाइट पे जाके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है फाइन या किसी ऐप को यूज कर रहा है वहां पे वो अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है अनइंटेंशनली विदाउट नोइंग इट कि वो क्या हो सकता है, मिसहैंडल हो सकती है, उसका मिसयूज हो सकता है. तो ये क्या है, ये पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट का प्रभाव है. With references to 3 R's, describe 3 essential approaches to manage the electronic waste. आपको बताना है कि आप electronic waste को कैसे manage कर सकते हो, उसकी कौन सी 3 R's approaches हैं. Okay? Also provide practice example of how individuals can actively participate in each approach. आपको ये भी बताना है कि लोग इन practices में कैसे actively participate कर सकते हैं. Okay? तो आपकी first जो आपका R है वो क्या है, reduce. Individuals can minimize e-waste by making mindful purchasing decisions. ओके तो ई वेस्ट को लोग मिनिमाइज कर सकते हैं माइंडफुल डिसीजंस लेके. राइट सच इज बाइंग लॉन्गर लास्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड ओनली एक्वायरिंग व्हाट इज जेन्युइनली नीडेड. कैसे, जैसे मान लो आपको मोबाइल फोन लेना है, आप ऐसा मोबाइल फोन मत लो जिसके फीचर्स आपको बाद में पसंद ना आए. ओके और आप उसको विद इन 6 मंथ्स क्या करें, उसको चेंज कर दें.
राइट, और उतने ही आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लें जिनको आप जिनकी आपको जरूरत है। ऐसा ना हो कि आपने दो लैपटॉप्स ले रखे हैं, आपने चार मोबाइल ले रखे हैं, फिर आपने दो टैबलेट ले रखे हैं, तो यहाँ पे क्या अननेसेसरी आपने बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इकट्ठा किया हुआ है। राइट, तो इसको आपको रिड्यूस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्टिंग फॉर मॉड्यूलर स्मार्टफोन विद रिप्लेसेबल कंपोनेंट्स कैन एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ द डिवाइसेज। आपको ऐसे मॉड्यूलर स्मार्टफोन लेने चाहिए जिनके कंपोनेंट्स क्या हों, रिप्लेस हो सकें, कोई भी कंपोनेंट खराब हो आप उसको रिप्लेस कर सकें। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाएगा और उनका बहुत ज़्यादा यूज़ ओके रिड्यूस हो जाएगा। राइट, ओके, नाउ सेकेंड वन इज रीयूज। इंक्रीजिंग द रीयूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इन्वॉल्व सेलिंग, डोनेटिंग और ट्रेडिंग इन ओल्ड गैजेट्स। राइट, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को रीयूज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ डंपिंग दैम आप उनको रीयूज कर सकते हो, आप उनको सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, किसी को डोनेट कर सकते हो जिसको जरूरत हो, या फिर जो लोग ओल्ड गैजेट्स का ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, आप वहाँ पे अपने डिवाइस को सेल ऑफ कर सकते हो। ओके, फॉर इंस्टेंस इंडिविजुअल कैन रिफर्बिश एंड सेल देयर ओल्ड लैपटॉप टू एक्सटेंड देयर यूज। जैसे कि लोग क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को रिफर्बिश मीन्स दोबारा से उसको रेनोवेट करके सेल कर सकते हैं जिससे उनका रीयूज हो सके। नाउ रिसाइकल, टू रिसाइकल ई वेस्ट रिस्पॉन्सिबली इंडिविजुअल्स कैन पार्टिसिपेट इन ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो रिसाइकल करने के लिए लोग रिसाइकल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर ड्रॉप ऑफ सेंटर्स में अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दे सकते हैं जहाँ पे उनको रिसाइकिल किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, रिसाइकलिंग ओल्ड सेल फोन्स एट डेजिग्नेटेड कलेक्शन पॉइंट्स प्रिवेंट्स देम फ्रॉम एंडिंग अप इन लैंडफिल्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि आपने अपने ओल्ड सेल फोन्स को जो कुछ डेजिग्नेटेड कलेक्शन पॉइंट्स है जहाँ पे उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है, अगर आप दे दें, कुछ पॉइंट्स बनाए जाते हैं, कुछ जगह बनाई जाती है जहाँ पे आप अपने ओल्ड सेल फोन्स को दे सकते हो, राइट, वहाँ पे उनको रिसाइकिल किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि लैंडफिल्स जो बहुत ज़्यादा लैंडफिल्स होते हैं वो अवॉइड किए जा सकते हैं। लैंडफिल्स क्या होता है, लैंडफिल्स में आप कुछ स्पेस, कुछ लैंड्स को डिग करके मतलब गड्ढे बना के वहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो उसको बरी किया जाता है। तो उससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है बहुत ज्यादा, तो ये अवॉइड किया जा सकता है। फाइन, ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।